आज से 6 महीने पहले की बात है। मेरा नाम शबाना शाह है। ग्राम जतोत्तर, पोस्ट जतोत्तर, जिला मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी शादी पीकू शाह, पिता मंगू शाह, मौखेड़ा, तहसील हाटपिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश में हुई थी। मेरे ससुराल वाले शादी के कुछ दिनों बाद से ही मुझे मतलब आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे। मेरी सास, ननन, देवर और सभी मतलब मेरे साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। आए दिन मतलब मुझे धमकी देते थे छोड़ने की कि हम लोग तलाक दे देंगे, ये वो। तब से ही चलता रहता था। उसकी एक बच्ची हो गई, 4 साल की लड़की है मेरी। इसी तरह से मारपीट किया करते थे, कभी मतलब घर पे आके छोड़ जाते थे। अब क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम बताइए। आज से 6 महीने पहले की बात है। मेरे पति मतलब ससुराल वालों ने मुझसे झगड़ा किया, मारपीट की। मेरे देवर ने, सास ने, ननद ने और मुझे जान से मार डालने की धमकी दी और बोला कि अब यहाँ आज के बाद कभी मत आना। उसके 3-4 दिन बाद मेरे पति ने मुझे बहला फुसला के अपने घर पे छोड़ा और करीब 7 बजे के लगभग रात के मतलब आंगन में छोड़ दिया और बोला कि अब यहीं पर रहना, मेरे को तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरे को दूसरी शादी करनी है, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं और ना इस बच्ची से मतलब है, रहो जैसे रहना हो। फिर क्या हुआ है ये बताइए। 15-20 दिन तक तो मैंने उनका रास्ता देखा कि वो लेने के लिए आएंगे और जब वो लेने के लिए नहीं आए तो मैंने फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो नहीं रखना तेरे को और आना भी नहीं है और मैं तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, भूल जाए। अब क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, क्या हुआ? दूसरी शादी मतलब महिला थाने पे आवेदन दिया था मैंने, वहाँ पर हम लोगों का राजीनामा हुआ था और उन्होंने बोला था कि हम अच्छे से लेके जाएंगे और 2 तारीख को बोला था कि 2 तारीख को आके लेके जाएंगे। उसके बीच वो बहाने करते रहे, बोले मेरे को तो टाइफाइड है, ये वो, मैं आ नहीं सकता। और उसके 1 महीने बाद बोला कि मेरा भाई एडमिट है। तो मैं गई भी थी खबर लेने के लिए, इंदौर परिवार के साथ मामा और ये सब गए थे लेके, तो मुझे मतलब रूम में आने नहीं दिया जहाँ पे वो मेरे देवर एडमिट थे वहाँ पे, और भगा दिया और बोला गाली गलौज करी, बोले जाए यहाँ से, हमको तेरे से कोई। अब आपने पत्र किसको लिखा है? जी मैंने पत्र ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने फोन से पत्र लिखा। और क्या कहा है आपने, क्या बात रखी है आप, न्याय दिलाने की बात रखी है आपने? इसके अलावा मतलब कहीं ऐसी जो लड़की होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ है तो? जी जी, 3 तलाक के मैं सबसे खिलाफ हूँ। जो पर्सनल लॉ ने मतलब एक तरफा जो तलाक दिया है मुझे, मैं इस तलाक को नहीं मानती हूँ, मैं इसके सबसे खिलाफ हूँ और मैं ससुराल वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ और उस पर्सनल लॉ को मतलब रद्द कर दिया जाए। मैं यह निवेदन करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए, जो कि इस तरह से मेरे अलावा और भी कई बहन बेटियों की जिंदगियाँ खराब कर रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सवन है। ये बताइए क्या कुछ पूरा मामला है जो खून से खत लिखा गया है यहाँ? खून से खत बहुत मजबूरी में उसमें लिखा गया सवन ने। मेरा नाम मुश्ताक बाबा।